हेलो वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर फूड एंड ट्रैवल इंडिया। तो आज का फूड एक्सप्लोर में 2 kg रोस्टेड पोर्क विथ ग्रीन सॉस एंड रेड सॉस विथ लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर एंड ऑनियन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके फर्स्ट roasted pork. Bella start going in with the red sauce. Get in, bud. Wow. Sit it. Let's say another one. यम्मी, बहुत ही यम्मी। इसको मैंने ढेर सारा हर्ब्स के साथ, जैसा फर्स्ट विथ ऑलिव ऑयल, गार्लिक, क्योंकि गार्लिक इसको अच्छा फ्लेवर देते हैं। गार्लिक को अच्छा से मैश करके इसके साथ मैरिनेट किया, ऑलिव ऑयल हो गया, गार्लिक हो गया, चिली, रेड चिली पेपर हो गया, थाइम विथ बेजिल, ओरिगैनो, सब कुछ डाल के मैरिनेट करके मैंने रोस्ट किया ओवन में। तब इतना अमेजिंग टेस्ट है, आप लोग भी जरूर ट्राई कर लेना इसका। वाओ, मुझे खाते मुझे बोलने का मन ही नहीं लग रहा, खा ही जाओ लग रहा है। लेकिन अच्छे से रोस्ट होना चाहिए, अच्छे से पकाइएगा इसको। आप रेटिंग बताओ कितना होगी इसका? रेटिंग 100 out of 100, एक्सीलेंट, फैबुलस, इतना अच्छा टेस्ट है। हद से ज्यादा टेस्टी दवा, मैं खाते ही रहने का मन लग रहा है ना। रेड रेड कितना अच्छा लग रहा है, स्पाइसी ना। जो ये ऊपर का रेड देख रहे हैं आप, इसको हमने थोड़ा सा, मैंने आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा फूड कलर डाला था तब ये कलर आ गया है। लेकिन अच्छा से ग्रिल होना चाहिए ओवन में, ताकि इसका जितना भी अंदर का मीट है अच्छे से पक गया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप आराम से पैन में ग्रिल कर सकते हैं, जो ग्रिलिंग पैन होता है ना उसमें कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रोस्ट होता है।
और इसके साथ चटनी जरूर बना के खाना। मैंने जो ये चटनी बनाया बहुत ही स्पाइसी, ढेर सारा चिलीज डाल के बनाया। Right, it's smooth. अब मेरा पानी दे। ग्रीन चटनी अच्छी लगी है, रेड बहुत दोनों। ये ग्रीन चटनी है हरी मिर्च और धनिया पत्ता, और ये रेड रेड चटनी टमाटोज, रेड चिलीज, गार्लिक, थोड़ा सा दही भी मैंने डाल दिया तो थोड़ा खट्टा सा भी है, और लेमन। Wow.
कितना टेस्टी है ना। बहुत टेस्टी। सॉरी सॉरी, ऐसे चले मासूसा मैं इतने खाने से पेट फूल हो रहा है। चीज़ा खा लेने तो लगता है मैं पूरा खत्म कर सकती हूँ। That's right। इतना यम्मी हो रहा है तो खत्म होना ही चाहिए। हमने ये वीडियो बनने से पहले तो हमारा मुझे पानी याद है कि कब बनेगा, हम कब जल्दी से वीडियो में खाएंगे। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें ये 2 kg 2 kg है पूरा ये। आराम से चले। मम्मी पापा से आज के पूरा खत्म कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती।
जितना खा सकते हो उतना ही खा लेना, ठीक है। खीरा खा लो, प्याज खा लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट्स है, तो फैट्स तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो भी आप लोग के लिए खा रही हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। तो सारे की मम्मी पापा पूरा ख़त्म कर दे, दावा का भी मैं ही खा लेती हूँ, चिंता मत करना दावा, ठीक है। मेरा आप मेरे लिए आप जीत लेना, ठीक है। ओके दवा, इस तरह पकड़ो, यहाँ पे, यस, थैंक यू। आई एम डन साइड से। सर आप चिंता मत करना, मेरा मैच मम्मी खेलेगी। पेट आप लोग के लिए मैंने इतना खाया, मतलब मुझे भी टेस्टी लगा, ये बात नहीं मुझे टेस्टी नहीं लगा, तो मुझे भी इतना टेस्टी लगा। फिर आप लोग के लिए इतना फैट खा लिया, इसके लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ना। दवा का रिक्वेस्ट है कि नहीं? दवा हेलो मम्मा, पूरा खा लेना स्लोली, धीरे धीरे से, दवा का हो गया। हम कटिंग करने वाले थे, इसको पापा कटिंग कर दे रहे पूरा। वैसे भी मैंने पूरा आधा खा लिया है, वैसे भी ये बात नहीं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने आधा खाया, मेरे पास प्रूफ है, आप देख लो वीडियो में, थोड़ा सा छोड़ के। इसलिए तो मैं खा रही हूँ दवा का। आप पूरा खा पाओगे? ऑफ कोर्स, इतना यमी, इतना टेस्टी, इतना मेहनत से बनाया मैंने, क्योंकि मम्मी दो जने का खाना खा रही ना, अपना और मेरा ना। लेकिन आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लेना, हम लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ज़रूर घर पे बनाइएगा और प्लीज़ खा लीजिए आप लोग। पापा को तो बहुत टेस्टी लग रहा है, देख के पता चल रहा है। पापा बोन्स के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। जूसी बोन्स से जूस निकल रहे हैं। पापा एकदम मज़े से खा रहे हैं। इंजॉय कीजिए आपकी। मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, इसका टेस्ट ले रही हूँ। मैं तो ले लिया। पापा को देखकर थोड़ा सा खाने का मेरा फिर से मन कर रहा है, ललचा रहा है, तो खा लो, थोड़ा सा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। वाओ,
तो बहुत टेस्टी से खा रहे हैं। आप कमेंट में करते हो कि पापा इतना टेस्टी से खाते हैं, बोलते हो ना कमेंट में, हमारे घर सबसे टेस्टी, मतलब अगर हमारा पेट भी भर गया ना पापा खाते समय हमारा पेट फिर से फिर भूख लगने लग जाएगा ना। ये रोस्टेड पोर्क इतना टेस्टी हो गया है, हम लोग ने एटलीस्ट सारा खा लिया, थोड़ा कुछ बच गया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लेना। हमारा जो ये जो मेरा स्टाइल है मैंने आपको बता दिया, इसमें ढेर सारा मैंने हर्ब्स डाल के मैरिनेट करके ऑलिव ऑयल में, गार्लिक डालना मत भूलिएगा, और थाइम, ओरिगैनो और बेजिल भी डालेगा ड्राई, ठीक है। अब जाइए अच्छा से मैरिनेट कीजिए और ओवन में ग्रिल कीजिएगा ताकि ये सॉफ्टनेस, इसको अच्छा से सॉफ्टनेस होना चाहिए मीट को। अगर आपके पास ओवन नहीं है, ग्रिल पैन में आप गैस में बनाइएगा, अच्छा से पकाइए, ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ हमारा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।